आपका दी फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज शाम का व्लॉग शूट कर रहे हैं, और आज स्पेशल ये है कि आज विनायक के पापा जी आ रहे हैं शाम को। और देखिए, हम शाम के 4 बज रहे हैं। मम्मी जी लहसुन छा रही है, ये बहुत दिन का रखा था थोड़ा, और रात ले आई मम्मी लहसुन, तो इसे थोड़ा बहुत जो सही सही है वो रख लेंगे, और थोड़ा सूख रहा है वो अलग कर देंगे। रात मटर लेके आए थे, वो भी हमने सुबह मम्मी ने छील दिए थे। और अब हम चाय बना लेते हैं मम्मी के लिए। आज मम्मी ने हारे में दूध रखा था, तो देखो ये छन्नी भी काली हो गई, और दूध अच्छा हुआ है आज हारे में। इसके लिए, हारे के लिए हम हंडी लाएंगे दूध के लिए। और चलो हम चाय बना लेते हैं, अब इसकी मलाई उतार लेंगे पहले। मम्मी जी के लिए चाय लेके जा रहे हैं हम, और मम्मी जी को दे दी। एक बार मम्मी जी को ये बोला है कि टेस्ट करके देखो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे चीनी कम है इसमें। तो मम्मी ने टेस्ट की तो सही में चीनी कम थी, तो हम फिर दोबारा लेने गए और यहाँ पे मिक्स कर दी फिर हमने। नायक सो रहा है, देखिए हम उठ गए थे मम्मी और मैं। ये बाबूजी सो रहे हैं, हम मच्छरदानी लगा के रखते हैं दिन में भी, क्योंकि बहुत मच्छर हैं, और तो वैसे ही तबीयत खराब है इसकी, तो मच्छर लगेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा। दिन भर लगाए रखते हैं, रात को भी, और बार बार कौन लगाता है बस हम लगा के ही रखते हैं। देखो ये लहसुन छा दिया हमने, मम्मी ने छा दिया, ये देखो ये सही लहसुन हो गया, अब आसानी होएगी इसमें से। और ये बिल्कुल ख़राब लहसुन है, जो भी ये छिलका विलका है ये हटा दिया, अब इसे फेंक देंगे और ये सही वाला रख लेंगे। खासू, ओह लड्डू उठ गया है, विनायक उठ गया है। ओ लग गया, क्लैपिंग करो। सबने शाम की चाय पी ली है, और अब हम खाना बनाएंगे और बर्तन साफ करेंगे शाम के। फिर हमें दूध निकलवाने भी जाना है, गाय की सेवा करने, और फिर उसके बाद हमें खाना बनाना है। विनायक के पापा जी आ रहे हैं, तो वो 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा है जल्दी खाना बना लेना। तो खाने में हम देखते हैं सब्जी क्या बनाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ रहे हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हॉस्टल में वहीं PhD कर रहे हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं वो। वैसे 1 हफ्ते में आ जाते थे, तो अब उन्हें अब की बार लेट हो गए, वो 15 दिन बाद आ रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। चलो चलते हैं अपने काम पे, सब्जी काट लेते हैं पहले, सब्जी काट के छोक लेते हैं, इतने सब्जी बनेगी तो बर्तन साफ कर लेंगे। देखो मटर हमने निकाल दी थी सुबह, मम्मी और हम दोनों ने मटर निकाली, ये जो कल मम्मी लेके आई थी तो बल रही थी, तो आलू गाजर बनाएंगे हम, तो सब्जी निकाल के काट लेते हैं। देखिए हमने बर्तन साफ कर दिए, और देखिए ये भगोना जो मम्मी ने हारे पे रखा था, तो आपने देखा था कितना काला हो रहा था, तो ये हमने मांझ के साफ कर दिया। हम सोच रहे थे कि ये बहुत मुश्किल से साफ होगा, लेकिन आसानी से साफ हो गया। और देखो ये छलनी भी, ये छलनी पे थोड़ा सा निशान रह गया, ये बिल्कुल साफ हो गई। सब्जी सोख लेते हैं, और फिर मम्मी कह के गई है कि गौशाला में आ जाना दूध निकलवाने, फिर हमें गौशाला में जाना है दूध लिखवाने। चलो हम सब्जी काट के जल्दी छोक लेते हैं, उनके लिए हम हरी चटनी भी बनाएंगे, उन्हें पसंद है। तो हमने हरा धनिया काट लिया, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, और 2-4 लहसुन की कलियाँ। और इसमें हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, नमक, सौंफ, काला नमक और अमचूर पाउडर, जिससे थोड़ा खट्टापन से आ जाए। और ये जार में डाल के हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, तो चटनी बन जाएगी। दिखाते हैं आपको बना के। यहाँ पे जार में सब सामान डाल दिया, सब मसाले डाल दिए, अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनके तैयार है, और कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका, बहुत टेस्टी भी बनी है ये। और चलो हम अब छाई में छौंक लगा लेते हैं, और इसमें जीरे का, और इसे हमारे यहाँ ढुंगारना बोलते हैं, हम इसे ढुंगारेंगे। अभी एक उफला लाएंगे, जो गुस्सा होता है उसे थोड़ा सा जलाएंगे, और चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको करके दिखाती हूँ जैसे करते हैं। तो पहले हम उफला ले आते हैं गुस्सा,
एक गैस पे हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया और एक पे ये उपले का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के ये रख दिया ये जलने के लिए, और दूध रखा है। इस पे हम जीरा और पीली सरसों भूनेंगे, सरसों भी बहुत टेस्टी लगती है छाई में छोक के, और इसमें हम काला नमक डालेंगे। चलो आपको दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे छोकते हैं छाई। यहाँ पे हमने जीरा और सरसों डाल दी, आप देखो ये हो गई है, अभी भी भून रहे हैं, देखो कैसे चटक रहे हैं, अच्छी तरह से भूनेंगे इन्हें, बिल्कुल ब्लैक ना हो जाइए। देखो ये जैसे मक्का के दाने भूनते हैं ऐसे भून रहे हैं, और छाई में बहुत टेस्टी लगता है इसका छोक लग के। ये देखो ये भून चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए अब इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे तवे पे प्रेस करेंगे, जो थोड़ा बहुत भून के ये चूड़ा सा हो जाता है, और इसे गरम गरम छाई में डाल देंगे और इसे ढक देंगे, जो मतलब इसकी खुशबू है सरसों की और जीरे की वो छाई के अंदर चले जाए। अब जो ये भी हो गई हमारी, अब एक छोटी सी कटोरी लेंगे और उस कटोरी में रख लेंगे हम इसे। ये हो गया, अब हम थोड़ा सा, देखिए फ्रेंड्स हमने ये ले लिया और थोड़ा सरसों का तेल ले लिया, अब इसे हम यहाँ से हटाएंगे प्लेट को और ये इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब इस पर हम सरसों का तेल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हो, हम सरसों का तेल ही डालेंगे ऐसे डाल के, और इसे कवर कर देंगे प्लेट से। इसके ऊपर हम बोट रख देते हैं भारी सा सामान, अब इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल इसे उगाड़ेंगे नहीं, इसे बंद रहने देंगे, और 5 मिनट बाद तब देखना छाई में से अलग ही खुशबू आती है पीने के लिए, बहुत टेस्टी होती है। फ्रेंड्स इतने हम आटा गूंद लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमने आटा गूंद लिया है, अब हम छाई को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना धुआं हो रहा है, 5 मिनट हो गई फिर भी अभी तक धुआं है, तो अभी हमने होल्ड ढक दिया इसे, और अभी 2-4 मिनट और अभी ऐसे ही रखे रहने देंगे इसे। फ्रेंड्स सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है, और आज हमने कढ़ाई में बनाई है और इस पर हरा धनिया डाल के रख दिया है साइड में, जब वो आएंगे तब और गर्म करके देंगे। और इधर चटनी भी तैयार हो चुकी है हमारी, चटनी आपको दिखा दी थी हमने, देखिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम, देखिए अभी तक धुआं है इसमें। अब इस कटोरी को हम निकाल लेते हैं, एक चम्मच लेंगे और इसे घुमा देंगे, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें नमक नमक मिलाएंगे, बिल्कुल तैयार है हमारी चाय, अब इसे फिर ढक के रख देंगे। अब बस हमारी रोटी रह गई है, रोटी जब भी बनाएंगे हम जब वो आ जाएंगे गरम गरम। करो पापा को पी लिया, ओम पैर छू लो पापा के, बेटा कितना कुछ हुआ, देख देख कितना कुछ, पापा आगे पापा आगे पापा पापा जी आगे पापा जल्दी, कितना खुश हो रहा है पापा के आने पे। डांस कर रहे हो। विनायक के पापा जी आ गए हैं, अब हम खाना बना लेते हैं। हमने रोटी सेक ली है, अब हम सब्जी गरम करने के लिए रख देते हैं, ये मक्खन है, और फिर थाली लगाएंगे उन्हें देंगे, और ये देसी थाली है, गुड़ मक्खन नोनी घी और छाए चटनी, ये सब बहुत टेस्टी बना है खाना। और आपको ये थाली कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना। सब लोगों ने खाना खा लिया है और विनायक के पापा जी ने भी खा लिया, बहुत टेस्टी खाना बना था और चटनी तो बहुत अच्छी बनी है। और ये देखो विनायक बाबू के साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है ये। वीडियो में इतना ही, और
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो हम खाए को छोकने का तरीका बताया है वो आप एक बार ट्राई करना, अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, और जो भी कुछ पूछना है तो वो कमेंट करना। चलो ठीक है, ओके बाय।